हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस टाइम ऑफ सेकंड चैप्टर इन जियोग्राफी सेक्शंस। दिस क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व इन वीडियो इन आवर प्रीवियस क्लास एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस प्रोवाइडेड इन PDF इन यस्टरडे। ओके, यस्टरडे जो आपको होमवर्क में आपको जो PDF में ये जो प्रोवाइड करवाए गए थे, आई होप आपने ये अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, है ना। टुडे वी डिस्कस अबाउट NCERT कॉर्नर, ठीक है ना। हर चैप्टर में अपने को ये सेक्शन दिए हुए हैं NCERT कॉर्नर, इसके क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन अपने को अपनी नोटबुक में करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आंसर अपने को गिवन है, ठीक है ना, जिसमें अपने को 1 और 7, तो टोटल 7 क्वेश्चन गिवन है, जिनके आंसर से वो आज आपको PDF में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जो NCERT कॉर्नर का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका पिक द करेक्ट आंसर, वो अपन इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, कि जो मोल्टन मैग्मा होती है उससे रॉक का जो पार्ट बना होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। तो जो मोल्टन मैग्मा होती है उससे बनने वाला जो आपका रॉक का जो पार्ट होता है वो होता है आपका इग्नियस। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इग्नियस। सेकंड, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, कि जो अर्थ है उसकी जो अलग अलग लेयर्स में अपने उसको डिवाइड किया था, उसमें जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो किस नेम से जानी जाती है, क्रस्ट, कोर और मेंटल। तो देखो, क्रस्ट है वो तो अपर मोस्ट होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और मेंटल है वो मिडिल वाली लेयर होती है, और सबसे इनर साइड में जो लेयर होती है वो होती है आपकी कोर। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, कोर। थर्ड, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोयल आर एग्जांपल ऑफ, कि जो गोल्ड है, पेट्रोलियम्स है एंड जो कोयल्स है वो किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, रॉक्स के, मिनरल्स के और फॉसिल्स के। तो देखो, रॉक्स तो ये है नहीं, ठीक है ना, ये सब क्या है अपने मिनरल्स है, गोल्ड, पेट्रोलियम, कोयल, ये सब अपने को अर्थ के भीतर से मिलते हैं और ये सब मिनरल्स है। फॉर द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, कि जो अर्थ होती है उसकी सबसे थिनेस्ट लेयर होती है उसको हम किस नेम से जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर्स होती है। तो ये कह रहा है कि सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है, सबसे थिनेस्ट लेयर होती है अपर मोस्ट वाली, सबसे ऊपर वाली, और वो है अपनी क्रस्ट। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा अपना ए, क्रस्ट। फिर थर्ड वाला है, मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट कोर, तो कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या है, कोर। तो फर्स्ट वाले को अपने मैच किया इनर मोस्ट लेयर इस। मिनरल्स क्या होते हैं, हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, कि ऐसे मिनरल्स जिनका डेफिनेट कंपोजिशन होता है वही क्या होते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। तो सेकंड को अपने मैच किया डी से। थर्ड, रॉक्स, रॉक्स यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, कि जो रॉक्स होते हैं उनमें स्टोन्स होते हैं, ठीक है ना, और उनका यूज हम रोड्स और बिल्डिंग्स है उनको बिल्डअप करने में करते हैं। तो थर्ड को अपने मैच किया बी से। फोर्थ, क्ले चेंजेस इंटू स्लेट, कि जो स्लेट्स होती है उनमें जो चेंजेस आता है उसे ही क्ले के नाम से जाना जाता है। तो फोर्थ को मैच किया अपन ने एफ। और लास्ट जो 5 है आपका सियाल, सियाल क्या चीज़ है, मेड ऑफ सिलिकन एंड एलुमिना, कि जो एलुमिना और जो सिलिकन्स होते हैं उन दोनों के मिक्सचर से जो चीज़ बनी होती है उसे ही सियाल के नाम से जाना जाता है। SI का मतलब सिलिका और L का मतलब एलुमिना या एलुमिनियम, ठीक है। तो फिफ्थ को हमने मैच कर दिया सी से। फोर्थ क्वेश्चन, गिव रीजंस, तो इसमें अपने को 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, जिनके अपने को रीजंस पूछे हैं, और इनके जो आंसर्स है वो भी आज आपको PDF में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो NCERT कॉर्नर में आपको ये 4 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, फर्स्ट तो ये हो गया आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और सेकेंड टेक द करेक्ट आंसर वाला, थर्ड मैच द कॉलम वाला, और फोर्थ गिव रीजंस।
ठीक है ना, यहाँ तक आपको इस चैप्टर में वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।